झारखंड विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा, लेकिन उससे पहले कांग्रेस में कला इस कदर बढ़ चुकी है जो शांत होने का नाम नहीं ले रही। और अब तो प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने भी इस्तीफा देकर पार्टी में नया घमासान छेड़ दिया है। इस इस्तीफे के बाद अब नए अध्यक्ष को लेकर तनातनी तेज हो गई है, जिसने कांग्रेस को नई मुश्किल में डाल दिया है। झारखंड कांग्रेस में इस वक्त एक अनार सौ बीमार वाली स्थिति है। अध्यक्ष का पद एक है, लेकिन उसके लिए दावेदार अनेक हैं। हर किसी को कुर्सी चाहिए, हर किसी को पद चाहिए, और इसी तमन्ना ने नेताओं के बीच तनातनी इस कदर बढ़ा दी कि कांग्रेस दो खेमों में बट गई है। एक तरफ अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले डॉक्टर अजय कुमार का गुट है, तो दूसरी तरफ पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय के समर्थक। अजय कुमार गुट के नेता चाहते हैं कि कांग्रेस उनका इस्तीफा स्वीकार कर फिर से उन्हें अध्यक्ष पद की कमान दें। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय के समर्थकों का कहना है कि अब पार्टी में बदलाव की जरूरत है। अजय कुमार का इस्तीफा स्वीकार कर पार्टी को इस पद की जिम्मेदारी किसी बड़े नेता को सौंपनी चाहिए। इस तनातनी की वजह से जिला इकाई भी बढ़ गई है। पूर्व कार्यकारी जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र साहू ने कहा कि गठबंधन चलाना आसान नहीं, डॉक्टर अजय को और पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। वे कुशल प्रशासक हो सकते हैं, कुशल राजनीतिज्ञ नहीं। सिमडेगा कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनूप केशरी ने तो इस बगावत को लेकर पार्टी को सावधान भी कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश संगठन में फुटोबल भावी चुनाव के लिए सही संकेत नहीं है। पार्टी के नेता खुद मानते हैं कि कला एक बार फिर हार की वजह बन सकती है, बावजूद इसके स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही। अब देखना होगा कि आला कमान कैसे नेताओं को समझा कर सियासी जमीन पर कांग्रेस को फिर से खड़ा करते हैं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।